हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रज्ञानंद। आई एम द कॉमर्स टीचर ऑफ देवजस मिडिल सेकेंडरी स्कूल एंड आई एम योर बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट हेयर टू गिव एनी लेक्चर ऑफ द सब्जेक्टिव लेक्चर्स टू यू, जस्ट आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स। यू हैव जस्ट पास योर क्लास 10th एंड whatever in your mind to choose, whether you choose the science before taking the commerce subject, आप लोगों ने सोचा होगा कि हम आर्ट्स लें कि साइंस लें, ठीक है? आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है? सो आई एम हेयर टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉमर्स एंड वॉट इज द पॉपुलरिटी ऑफ कॉमर्स। डे बाई डे द पॉपुलरिटी ऑफ कॉमर्स इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया ऑल्सो। इन द मेट्रोपोलिटन सिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आफ्टर 12th स्टूडेंट्स देयर दे चूज द कॉमर्स स्ट्रीम एज ए ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन द कॉमर्स स्ट्रीम। सो आप लोगों ने किस रीजन से चूज किया है, क्या रीजन है चूज करने का, वेदर यू इंटेंशनली चूज द कॉमर्स सब्जेक्ट, वेदर या फिर इंटेंशनली आपने चूज नहीं किया गया, फोर्सली यू ऑफ द कॉमर्स, आई डोंट नो वट इज द रीजन बिहाइंड इट। But yes, those students who choose the intentionally the subject, उन्होंने they do the great job। और जिन्होंने intentionally choose नहीं किया है उनके लिए भी जो है मैं जो है ये बताना चाह रहा हूँ कि देर देखे करेक्ट डिसीजन दैट दे हैव चूजन द कॉमर्स। देखिए कॉमर्स इट कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। इट इंक्लूड द मैथमेटिक्स ऑल्सो, इट इंक्लूड द principles like the principles applied in the physics and chemistry, also in the management, in the business, some principles also applicable in the business environment, economics इसके अंदर है, इसके अंदर जो है, I mean to say that commerce is the combination of all the subject in every field, whether it is a business, in the business commerce is the applied in the business, but in any field, whether it is a hospitality, whether it is a tourism sector, whether it is a एनी सेक्टर्स, हर एक सेक्टर्स के अंदर कॉमर्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मैं जो है बस यही बता रहा हूँ कि कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, और ये आपको जो है फ्यूचर में जो है किस तरह से आपको जो है कैरियर बनाने में हेल्प करेगा। सो वॉट इज अ कॉमर्स? सो कॉमर्स इज ए फील्ड ऑफ एजुकेशन विच इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। देखिये कॉमर्स का जो स्कोप इट्स अ वेरी वाइड स्कोप इन द कॉमर्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉमर्स में जो है जो भी बिजनेस एंटिटी है, जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दे ऑलवेज अपडेट, अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं हमारे जो है इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है उसकी जो है जानकारी हमेशा जो उनको जीवन होनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपांड कर सकें, ठीक है? अपने आप को अपडेट कर सकें। So it is a very challenging, commerce is a very challenging stream for the student, for the commerce students, क्योंकि आपको जो है डे बाय डे जो है डेली आपको जो है अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कॉमर्स का जो स्ट्रीम है, जैसे मैंने बताया कॉमर्स जो है इट इज रिलेट विद द इकोनॉमिक्स, इट रिलेट विद द मैथमेटिक्स, इट रिलेट विद द साइंस, ठीक है? तो वॉट इज हैपनिंग इन अराउंड द वर्ल्ड, इट शुड बी अपडेट आउट सेल्फ, अदरवाइज हम अपने आपको मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई इट इज वेरी चैलेंजिंग यू पीपल कि जो है आपको जो है आप कभी अपने जिंदगी में स्टैटिक नहीं हो पाओगे, हमेशा आप जो है डायनेमिक बने रहोगे, ऑलवेज यू बिकम ए डायनेमिक, बिकॉज ऐसा स्ट्रीम है ये, आप हमेशा अपने आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? सो इट इज अ वेरी ग्रूमिंग, इट इज वेरी डेवलपिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया ऑल्सो बहुत से कैरियर ऑप्शन है। सो कॉमर्स तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बताना आया हूँ कि जो है जो कॉमर्स सब्जेक्ट आपने चूज किया है इसमें जो है बेसिकली तीन कोर पेपर होते हैं, तीन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के। पहला आपका जो बिजनेस स्टडी होता है, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स होता है, और तीसरा आपका जो अकाउंटेंसी होता है। दिस इज द कोर पेपर ऑफ द कॉमर्स, और यही जो है क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ोगे, और उसके बाद से आप जो है आप ग्रेजुएशन के बाद जो आपको ऑप्ट करना है सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करोगे, ठीक है? So I am here to give the some little bit of descriptions about what is the business study, what is an accountancy and what is the economics, क्या क्या पढ़ना है आपको इसके अंदर। So first जो आपका जो book जो है business study, तो business study के अंदर जो है
the business study provide the information about the structure of the business, importance of the business, what is the human resource and what is the marketing in the business, various type of the business, ये चीजें जो है आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या मतलब है बिजनेस, जो सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी पढ़ने का क्या मतलब है उसका, ठीक है। बिजनेस का मतलब आपको क्या फायदा होगा, बिजनेस पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा, बिजनेस बिजनेस पढ़ने से जो है यू बिकम द मास्टरिंग टू डू योर ओन बिजनेस, आप जो है अपने बिजनेस को सेटअप करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू डू योर ओन बिजनेस दोस्तों, इट हेल्प्स यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, इट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के जो भी प्रोसेस हैं, वो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को सेटअप करने के लिए। नॉट ओनली टू सेटअप द बिजनेस बट इट ऑल्सो फंक्शनिंग योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन माई पर्सनल लाइफ और इन द बिजनेस लाइफ ऑल्सो, ठीक है। बिजनेस का जो सब्जेक्ट है वो जो है आपको एक प्रोफेशनल्स बनाता है आपको, इट क्रिएट योर प्रोफेशनल्स। हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है बिजनेस से, या फिर बिजनेस जो किस तरह से अफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी से, ये आप जो है उसकी। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस आपको कई तरीके से मदद करता है। बिजनेस इनेबल द पर्सन टू गेट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द आइडिया हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस टू गेट द मनी, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज थ्रू विच ए बिजनेसमैन कैन गेट द मनी टू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ द बिजनेस, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये सब आपको जानकारी मिलेगी बिजनेस पढ़ने के लिए, ताकि जो है अपना जो खुद अपना बिजनेस सेटअप कर सको। ये हम पर्सनल बिजनेस की बात करूँ, अदरवाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है इस स्ट्रीम का बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, बिजनेस की बात होगी। जो नेक्स्ट आपका जो कोर पेपर कॉमर्स के अंदर, दैट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आपके दो बुक हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट इन द क्लास 11th वी हैव ओनली स्टडीड द माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो है स्टैटिक्स हम लोग को पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमको क्लास 12th के अंदर पढ़ना है, बट द इकोनॉमिक्स हैव टू ब्रांचेज, दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग जो है सिंगल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, बट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडीज एज ए होल इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपको जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो आपका जो ब्रांच है कॉमर्स का, सब्जेक्ट जो कॉमर्स है, दैट इज अकाउंटेंसी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिकल साइंस विच इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम लोग जो है डेली न्यूज पेपर में कभी देखते हैं कि किसी कंपनी का बैलेंस शीट निकला हुआ है, किसी कंपनी का जो है फाइनेंशियल पोजिशन किसी कंपनी का निकला हुआ है, दिस आर ऑल डन बाय द अकाउंटेंसी ब्रांच। अकाउंटेंसी के हमने पढ़े कि हाउ द व्हाट आर वेरियस प्रोसीजर्स टू कीप द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, क्या प्रोसीजर्स है उसके। हम पहले जो है जो भी हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, पहले उसको जो है हम जो है जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर जो है बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमको जो अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ना है। तो ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ हो गया। अब जो है मैं जो नेक्स्ट पार्ट पर आ रहा हूँ कि कॉमर्स से आफ्टर द ग्रेजुएशन क्या ऑप्शन है कॉमर्स के, कॉमर्स स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट किया है सो क्या ऑप्शन है इन द फील्ड ऑफ द कॉमर्स। देर इज वेरियस ऑप्शन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है आपका, इवन इन द पीएसयू सेक्टर ऑल्सो, इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, देर इज अ वाइड स्कोप फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गया, या कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड हो गया उसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे आस्किंग द एमबीए पर्सन, सीए पर्सन, सीएस पर्सन, आपने इसका नाम भी सुना होगा, व्हाट इज सीए, सीएस, एमबीए। तो ये जो है पूरे कॉमर्स के जो है ऑप्शन है। सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो एमएनसी कंपनी होती है उसके अंदर जो सीए की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका जो एक बहुत अच्छा खासा पैकेज होता है, जो एमएनसी कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनमें जो इनको जगह मिलती है बैठने के लिए, दे मेकिंग द स्ट्रेटजी, दे मेकिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। सीए जो होते हैं वो फाइनेंशियल पोजिशन को जो है बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी कंपनी का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑप्शन है कॉमर्स के अंदर सी एस, मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, इट इज वेरी सिमिलर टू द सी ए। अच्छा, दोनों करने के लिए जो है परस्यू करने के लिए जो है यू हैव टू बी ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
तभी आप सी ए सी एस कर पाएंगे। इस तरह से एक और ऑप्शन है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, तो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी जो एक ऑप्शन है जो किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है एक आपको एक अच्छा पोजिशन जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। तो बहुत से ऑप्शन है कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट्स, और आप लोग जो है क्लास 11 के अंदर आप लोग एंटर किए हो, मोस्ट वेलकम टू द 11 कॉमर्स। और जो है मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और जो है इस कॉमर्स स्ट्रीम को जो है आप इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। इट इज इमर्जिंग मोड ऑफ न्यू स्ट्रीम, इट इज इमर्जिंग मोड है एक नया स्ट्रीम का जिसमें जो बहुत से ऑप्शन हैं, आप जो मेहनत लाए पढ़िए। वेलकम टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।